हर सफलता के पीछे एक संघर्ष होता है, हर संघर्ष से कुलदीपक निकलता है। हमारा एक गोड़ू मोड़ू प्यारा सा बच्चा, नम्रता के लिए तालियां बजाइए। इस लड़की ने लास्ट के 3 महीने बहुत अच्छा काम किया, प्लीज बहुत बहुत आए बेटा। आप जिंद हरियाणा से हैं, 418 रैंक आपके नीट में है, 781 रैंक आपके एम्स में है। एक गीत है लता जी का बहुत अच्छा देश पे, कि जब तुम बैठे थे घरों में हम झेल रहे थे गोली। दोस्तों माफी चाहता हूं, गार्जियंस आप रात को 11 बजे सो जाते थे, बट ये आपका इन बच्चों का चौकीदार रात को जगता था 1 बजे तक इनके लिए। तो वही ईश्वर की दुआएं हैं, आपका प्यार है, तालियां बजाने से बच्चों के लिए हमारे। थैंक यू। यहां पर मौजूद सभी महानुभावों को हमारी तरफ से नमस्कार, जय श्री अलसी। जब हमने 18 जुलाई को यहां प्रवेश लिया था तो हम सबसे पहले बालाजी महाराज के चरणों में माथा टेकने गए थे। तो मैंने अपनी बेटी को इस संस्था में आते ही कहा था कि बेटी खाली हाथ मत आना, यहां से सफल होकर ही आना है। और मेरी बेटी की मेहनत है, सीएलसी का आशीर्वाद है, बालाजी महाराज की कृपा है कि ये बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करके यहां से जा रही है। मैं पूरे हरियाणा की तरफ से सीएलसी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जय सीएलसी, जय बालाजी। होनहार वीरबान के हो चिकने पात। बचपन में दादी ने कहा मेरी मनु डॉक्टर बनेगी। आज दादी दुनिया में नहीं, लेकिन होनहार पोती ने दादी का सपना किया साकार। हरियाणा के जींद जिले का उचाणा मंडी कस्बा, शिक्षक दंपत्ति कर्मवीर शर्मा एवं सुनीता शर्मा का छोटा सा परिवार अपने शिक्षण दायित्व का निर्वहन बेहद ईमानदारी से करने के लिए क्षेत्र में आपकी मिसालें दी जाती हैं। घर में बेटा विवेक एवं बेटी नम्रता, जिसे सभी प्यार से मनु बुलाते हैं। कहते हैं होनहार वीरबान के हो चिकने पात, अर्थात किसी बच्चे की भावी संभावनाओं के संकेत बचपन में ही मिल जाते हैं। इसी नम्रता जब दादी की गोद में खेलती थी तो दादी बड़े गर्व से कहती थी कि एक दिन मेरी मनु डॉक्टर बनेगी। उस समय उस छोटी बच्ची को यह तो पता नहीं था कि डॉक्टर कैसे बना जाता है, लेकिन यह शब्द उसके जहन में बैठ गया। जैसे जैसे मनु बड़ी होती गई, डॉक्टर बनने का संकल्प और भी मजबूत होता गया। और बाद में बड़े भाई विवेक के मेडिकल में सिलेक्ट होने के बाद तो जैसे मानो नम्रता के सपनों को पंख लग गए। अब तो एक ही जिद थी, बनना तो सिर्फ डॉक्टर ही है। यहां तक कि 9वीं में पढ़ते समय जब राज्य स्तरीय ड्रामा कॉम्पिटिशन में भाग लिया तो कोच से जिद करके डॉक्टर का रोल मांगा और उसे बखूबी अदा भी किया। बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए 12वीं के बाद नम्रता के परिजनों ने सीएलसी का दामन थामा और आज नम्रता देश के सर्वश्रेष्ठ गर्ल्स मेडिकल कॉलेज लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली में MBBS प्रथम वर्ष की छात्रा है। इसी वर्ष नीट 2019 में नम्रता की ऑल इंडिया 418 रैंक है। नम्रता उचाणा मंडी के पूरे शर्मा परिवार की पहली बेटी है जो डॉक्टर बनने जा रही है। बचपन से ही मेधावी रही, नम्रता की स्कूली शिक्षा की शुरुआत उचाणा मंडी के ही सनातन धर्म विद्यालय से हुई। उसके बाद 8वीं तक की शिक्षा गीता विद्या मंदिर उचाणा मंडी से हुई। 10वीं जींद जिले के खापरा के प्लस पॉइंट स्कूल से 96.40% अंक से उत्तीर्ण की। 12वीं नरवाना के SD मॉडल स्कूल से 94.40% अंक से उत्तीर्ण की एवं नरवाना ब्लॉक की टॉपर रही, जिसके लिए भारत विकास परिषद नरवाना ब्लॉक द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया गया। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, सह शैक्षणिक गतिविधियों में भी नम्रता अव्वल रही। वर्ष 2015 में हरियाणा कला परिषद कुरुक्षेत्र द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय ड्रामा कॉम्पिटिशन में अपनी टीम का सफलतापूर्वक नेतृत्व करते हुए राज्य स्तर पर 3रा स्थान हासिल किया। कहते हैं मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है, नम्रता इसी दृढ़ निश्चय की मिसाल है। बचपन में दादी के देखे हुए सपने को पूरा कर आज जब दादी इस दुनिया में नहीं है तो नम्रता ने उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी है। आज नम्रता जींद जिले की बेटियों के लिए प्रेरणा है।